समस्त NHOI संगठन, ABBP के लोग, निर्दलीय लोग आज सरकार के खिलाफ लामबंद है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला बदला नहीं तो अंतिम सांस तक छात्र वर्ग लड़ाई लड़ता रहेगा कि अगर पुलिस विश्वविद्यालय में घुसी तो छात्र पुलिस मुख्यालय में घुस जाएंगे। गांधीवादी तरीके से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पे प्रदर्शन भी होगा, लाठियां भी चलेगी और छात्र वर्ग पुलिस का हर एक डंडे का डटकर मजबूती से मुकाबला करेगा। विश्वविद्यालय का VC गेट से बाहर नहीं आएगा, टीचर क्लास लेने नहीं आएंगे, अच्छी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त नहीं होगी और विद्यार्थी अपने कामों के लिए को लेकर इस गेट पे यूं ही भटकता रहेगा। जब तक आम विद्यार्थी की आवाज़ उठाने वाला यहाँ व्यक्ति नहीं होगा तब तक ये पुलिस प्रशासन या गेट से लेकर क्लासरूम तक यूं ही बदमाशी करता रहेगा। तो इसी कड़ी में हमारे छात्र नेता अभिषेक चौधरी साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है आपका, यहाँ विरोध कर रहे हो, क्या लगता है आपको सरकार वापस पीछे हटेगी? देखिए, सरकार के अग्रिम संगठन के लोग छात्र हितों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं तो बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। जब सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो छात्रों के विरोधी हैं तब तक NHOI संगठन के लोगों ने सरकार का विरोध किया है। आप देखिए, कोविड काल में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग हो या आज छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग हो, समस्त NHOI संगठन, ABBP के लोग, निर्दलीय लोग आज सरकार के खिलाफ लामबंद है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए। जब तक आम विद्यार्थी का यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जब तक आम विद्यार्थी की आवाज़ उठाने वाला यहाँ व्यक्ति नहीं होगा तब तक ये पुलिस प्रशासन या गेट से लेकर क्लासरूम तक यूं ही बदमाशी करता रहेगा। विश्वविद्यालय का VC गेट से बाहर नहीं आएगा, टीचर क्लास लेने नहीं आएंगे, अच्छी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त नहीं होगी और विद्यार्थी अपने कामों के लिए को लेकर इस गेट पे यूं ही भटकता रहेगा। आपने कहा कि NHOI संगठन से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, जुड़े हुए हो, ABBP के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना होता है कि जब सरकार है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो घबरा चुकी है और NHOI पैनल लगातार हार रहा है, तो ये कारण है? देखिए, पिछले चुनाव में जो हमारा मुख्य विरोधी संगठन है जिसे हमारी विचारधारा में लड़ाई है उसको हमने 900 वोटों में समेट दिया था, लेकिन बात यहाँ छात्र संघ चुनाव की है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। वो जो हार जीत वाले मापदंड है वो विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति तय करती है, विश्वविद्यालय का छात्र वर्ग तय करता है। वही हम ये मानते हैं कि ये फैसला हम लोगों को आपस में ना कर इन छात्र वर्ग पे छोड़ देना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि NHOI संगठन ने 24 घंटे छात्रों के बीच रहकर काम किया है, छात्रों के हर बाजी मुद्दे पे संगठन ने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है NHOI, और आपके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है, आप विरोध कर रहे हो, अगर मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटते हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, हम ये बोलते हैं, हम ये पुलिस वालों के भी ये बोलते हैं कि अगर पुलिस विश्वविद्यालय में घुसी तो छात्र पुलिस मुख्यालय में घुस जाएंगे और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला निर्णय बदला नहीं तो अंतिम सांस तक छात्र वर्ग लड़ाई लड़ता रहेगा। छात्र हितों की बाजी मांग को लेकर चाहे धरने करने पड़े, चाहे प्रदर्शन करने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खाने पड़े, वो सब हम लोग सब चीज़ें हम लोगों को मंजूर है। आप शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना दे रहे हो, विरोध कर रहे हो, अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे तो आप उग्रवादी आंदोलन करोगे? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं। गांधीवादी तरीके से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पे प्रदर्शन भी होगा, लाठियां भी चलेगी और छात्र वर्ग पुलिस का हर एक डंडे का डटकर मजबूती से मुकाबला करेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।